मैंने एक व्यक्ति को करौंदा दिया, शायद कई लोगों ने खाया होगा, खट्टा सा होता है। तो मैंने उसको बोला लीजिए खाइए, तो उसने कहा कि ये ऐसे ही खा लूँ? मैंने कहा हाँ खा लो, खट्टा सा है। बोले इसका तो लोग अचार बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे ही खा लो, कोई बात नहीं, प्रसाद के तौर पे दिया। उसने खा लिया, अगले दिन मुझे आकर कंप्लेन करने लगा, मेरे को तो इतना मल निकला, इतना पेट साफ हुआ कि जितना मैंने खाया भी नहीं था, आपने तो मेरे को क्या दे दिया कल। बड़ा परेशान रहा मैं। आज मैं आपको आयुर्वेद और योग की मदद से वजन कम करना नहीं, बल्कि पेट कम करना सिखाऊंगा। कई लोगों का वजन सही होता है, लेकिन पेट जो होता है ये बढ़ा हुआ होता है। और कई नुस्खे, कई उपचार की पद्धतियां उन्होंने अपनाई, लेकिन पेट अंदर नहीं जाता। इसको आज समझते हैं कि कैसे पेट अंदर जाएगा। दरअसल पेट का बढ़ना दो तीन चीजों का लक्षण है, इशारा है। एक, आपके पेट में हवा रहती है जिस वजह से पेट फूलने लगा है, और उसे पहले कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जो भी खाना खाते हैं, या तो खाने के साथ लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, या फिर खाना ज़्यादा खाते हैं। कई लोग खाने के साथ पानी लेते हैं, होता यह है कि पेट उससे भी फूलता है। कई लोग ब्रेड खाते हैं, भले ही वो कहते हैं फिर कि ये आटा ब्रेड है, लेकिन जो चीज़ें पेट में जाकर फूलती हैं वो पेट को बड़ा करती हैं। इसी के साथ कुछ लोग देर रात को खाते हैं और खा करके फिर लेट जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको तीन चार बता रहा हूँ, इन सब का जोर पड़ता है पेट पर। एक और जो छोटी सी बात, तो आप कभी नोट करें या ना करें, जो पेट बढ़ाती है वो ये है कि आप रात को पनीर खाना, रात को सफ़ेद चना खाना, रात को भारी चीज़ें खाना, जो कि अच्छी बात नहीं है। पनीर खाइए, जमकर खाइए, भगवान ने खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं, आप लोगों का हक है, आपका जीवन है, लेकिन कब क्या खाना क्या नहीं खाना ये पता हो तो ज़िंदगी बड़ी सुखद है, खुशी से निकलती है। मेरे कई कई बार मुझे कई लोग बोलते हैं आप ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए। मैं उनको बोलती हूँ कल की सुबह भी ये चढ़नी है, अगर जीवन मिलेगा, जीवन आगे हमें मिलता है तो जरूर खाएंगे। इसमें क्या हम जल्दबाजी क्या करें। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूँ। ये तीन चार गलतियों को आपने कैसे सुधारना है ये अंत में बताऊंगा। पहले मैं वजन घटाने के लिए आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। पेट का जो फैट है उसे अगर बर्न करना है तो सबसे पहले माइंड में रखिए कि पेट अकेला फैट से नहीं फूला, फैट से नहीं बढ़ा हुआ। आंतों में मल रुका और रुकता गया और रुकने की रूटीन बन गई। ऐसा नहीं है कि आपको पेट साफ नहीं होता, आप कहेंगे मेरा तो पेट रोज साफ होता है, लेकिन एक स्टॉक पेट अपने अंदर रख लेता है, आंतें अपने अंदर रख लेती हैं मल का, एक स्टॉक बाहर फेंक देती हैं, एक स्टॉक आप ऊपर से खाते हैं। जबकि होना ये चाहिए एक आपने खाया और पचा और निकल गया, अगले दिन नया वो होता नहीं, बीच में एक लॉट जो है वो स्टॉक अंदर स्टोर होने लग जाता है मल का, क्योंकि 20-25 मीटर के आसपास की आंतें होती हैं, तो बहुत लंबी सी, तो इसमें काफ़ी आसार होते हैं कि कुछ ना कुछ रुकेगा। जिन लोगों का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कमज़ोर है, जो मसल्स को काम पे नहीं लगाते, जिनके मसल्स धीरे समय समय के साथ साथ ढिलक जाते हैं, लटक जाते हैं, इतने मजबूत नहीं रहते, तो उनका खाना पेट में रुकता है और फिर बस वहीं से शुरुआत होती है पेट के बढ़ने की। मैंने एक व्यक्ति को करौंदा दिया, शायद कई लोगों ने खाया होगा, खट्टा सा होता है, तो मैंने उसको बोला लीजिए खाइए, तो उसने कहा कि ये ऐसे ही खा लूँ? मैंने कहा हाँ खा लो, खट्टा सा है। बोले इसका तो लोग अचार बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे ही खा लो, कोई बात नहीं, प्रसाद के तौर पे दिया। उसने खा लिया, अगले दिन मुझे आकर कंप्लेन करने लगा, मेरे को तो इतना मल निकला, इतना पेट साफ हुआ कि जितना मैंने खाया भी नहीं था, आपने तो मेरे को क्या दे दिया कल। बड़ा परेशान रहा मैं। तो मैंने उसको बिठा करके बताया कि तुम्हारा पेट देखो कितना बाहर है, इसका मतलब कि तुम्हारे पेट में ये चीज़ है, कमी है। तो अगर आयुर्वेद की किसी चीज़ ने या नेचुरल डाइट की किसी चीज़ ने तुम्हारा पेट खुलकर साफ किया है, तो उसे तुम बीमारी या फिर तकलीफ का नाम मत दो,
क्योंकि एक आध बार ज़्यादातर पेट दस्त लगता है कभी कभार, ये अच्छी बात होती है। आयुर्वेद कहता है ये बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। मेरे अपने बात इसको जोड़ रहा हूँ आपके साथ, इस बात के साथ कि आपको मिठाई बांटनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, एक दस्त आया, दो दस्त आया, एक दो दस्त कभी आ जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, कुछ ना खाएं, ताज़ा ठंडा पानी पी लें, नारियल पानी, नींबू पानी पी लें, ज़्यादा भूख लगे तो मूंग का सूप ले लें, खिचड़ी ले लें, दही फेंट कर ले लें। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, तुरंत दवाई खाते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मुझे तो लूज मोशंस लग गए। मैंने उसको बताया कि अगर इतना तुमने खाना खाया नहीं और फिर भी मल निकला, इसका मतलब अंदर था। बोला हाँ ये तो बात सोची नहीं, तो अगर था तो वो निकलना ज़रूरी है, नहीं तो वो पेट फूलेगा, फूल कर बढ़ेगा आपका पेट, फिर वो जितना खींचेगा वहाँ पे उतनी फैट्स डिपॉजिट होगी, तो ये सारा आपका हैवी होता जाएगा। शर्त ये है कि आप सैलड्स, सूप्स और फाइबर, गर्म पानी और बॉडी को एक्टिव रखना, एक जगह पे बैठे ना रहना। खाना खाया है तो खाने के बर्तन खुद उठाकर रखना, खाने के बर्तन खुद धो देना, छोटी छोटी चीज़ें। आप जब आप एक्टिव रहते हैं तो उससे आपका वजन नहीं बढ़ता, पेट भी नहीं बढ़ता। बैठना, सिटिंग ज़्यादा करना, ये भी एक कारण है वजन को, पेट के वजन को बढ़ावा देने का। इसलिए आप अगर कोई आपकी ऑफिस है या कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें सिटिंग बहुत ज़रूरी है, उसमें भी 45 मिनट के बाद एक छोटा सा चक्कर ज़रूर लगाएं और चलते फिरते रहें, ऊपर नीचे कुछ ऐसा काम कर लें जिसमें आपको बीच में उठना पड़े, तो आपका पेट नहीं बढ़ेगा। खाना खाने के बाद सफ़ेद तिल चबाइए सुबह शाम, आधा आधा चम्मच। और मैंने एक वीडियो बनाया था मुखवास, जिसमें मैंने सौंफ, धनिया, दाल और इस तरह से सफ़ेद तिल, थोड़ा सा उसमें सनाए पत्ती, ये एक मिक्सचर बनाने के लिए मैंने आपको बोला था। मुखवास का मेरा ये वीडियो देख लेना। मुखवास भी आप बना के रख लेंगे, खाने के बाद खाएंगे तो पेट में जो मल रुकता है वो नहीं रुकेगा। मल रोक अंदर रुकना बंद हो गया तो पेट धीरे धीरे आप कम होना शुरू होगा, बशर्ते आप अगली डाइट जो लेंगे वो एक तो कैलोरी कटर हो, कैलोरी कम हो उसमें, फाइबर ज़्यादा हो, जैसे कि सैलड सूप मैंने आपको भी बताया, और उसमें ज़्यादा अग्नि तत्व हो। अग्नि तत्व से मेरा मतलब है आप थोड़े स्पाइसेस, पिसे हुए मसाले गर्मी बढ़ाएंगे, बीपी बढ़ाएंगे। आप साबुत मसाले यूज़ करिए, साबुत तेज़पत्ता डालिए सब्जी में, दालचीनी साबुत डालिए सब्जी में, वो एक तरह से जब वो उबल करके उसका जब आप सूप पिएंगे, एक आयुर्वेदिक पेय का काम कर जाएगा वो भी आपके पेट की चर्बी को कम करेगा। और अब आते हैं दवाई पर। दवाई में क्या करना है आपको, गोमूत्र अर्क आपने ले लेना है किसी अच्छी फार्मेसी का, 2 से 3 चम्मच इसके, एक छोटा कप गर्म पानी में, गर्म पानी थोड़ा तेज गर्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, उसमें डाल दीजिए। उसके साथ आपने लेनी है त्रिफला गुगल 250 से 500 मिलीग्राम। जो व्यक्ति का थोड़ा बहुत पेट ज़्यादा है 250 मिलीग्राम ले ले, काफ़ी ज़्यादा है तो 500 मिलीग्राम ले ले। ये सुबह शाम खाली पेट लेना, आप देखेंगे कि कुछ दिन इससे पेट थोड़ा ज़्यादा साफ होगा, आपको लगने लगेगा कि टॉयलेट सीट भरने लग गई है, इतना ज़्यादा मल कहाँ से आ रहा है। लेकिन घबराइएगा नहीं, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है लेकिन आपके फ़ायदे की है कि आपने घबराना नहीं है, आपका पेट खूब साफ होने लगेगा, पेट नरम रहने लगेगा, अब भूख तेज लगने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा कि ज़्यादा खाऊं। ऐसे में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, उतावलापन नहीं दिखाना, आप कोशिश करें आधा पहले अपने आप पेट भरें सलाद से, फल से, जब आधा पेट भर जाए तब खाने की शुरुआत करेंगे। यानी आपने, मैं आपको खाने से मना नहीं कर रहा, जो आपने खाना है सो खाना है। जितनी मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी डाइट की या वेट घटाने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, उनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है तो भी अगर वो आधा पेट भर ले ऐसी चीज़ों से, तो बाकी बचा आधा उसमें वो कितना भी खाए तो इतना खा नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है जब उसकी कैलोरी कटिंग यहीं से शुरू हो गई सलाद और उससे, तो फिर वो धीरे 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 उसका पेट कम होने लगेगा। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने किया 15 दिन कुछ हुआ ही नहीं। आपका पेट एक दिन में नहीं बढ़ा है, काफ़ी महीने या काफ़ी सालों की आपकी जो एक कलेक्शन होती है डाइट में से कैलोरी जोड़ जोड़ कर, जैसे घर में माएँ मलाई से घी निकाल निकाल कर उसका घी बना के एक मर्तबान भर लेती काफ़ी समय तक मेहनत करके,
इसी तरह आपकी बॉडी भी ऐसे कैलोरी स्टोर कर करके ऐसे आपके पेट के आसपास या बाकी अंगों में वजन बनाती है। तो आपने इसको धीरे धीरे ही कम करना है। 3 महीने तक आपका बेसिक सा रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद 15-20 दिन का ब्रेक लेके फिर 3 महीने कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक राउंड में आपका काफ़ी अच्छा पेट कम हो जाएगा, दूसरे राउंड में और भी कम हो जाएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जब आप पेट कम कर लें तो योग, जब आपका पेट कम होने लगे, योग में ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें जैसे कि अपने पैरों को पकड़ना, झुक करके पीछे की तरफ जाना, दाएं बाएं जाना, जिसको आप कह सकते हैं कि पेट जिससे घूमे, आपका बॉडी के ऊपर के अंग और नीचे के अंग छोड़ के जो बीच वाला पोर्शन है ये लचकदार बने, ये इसकी एक्सरसाइज हो, इसको खिंचाव पड़े। क्योंकि अगर आप पेट के मसल्स को खिंचाव देंगे तो वापस इसकी इलास्टिसिटी कायम होगी और आपके पेट के मसल्स जो हैं, जो लटक गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ना तो होगा ऐसे कि आपका पेट तो कम हो जाएगा लेकिन लटक जाएगा। लटकने से बचाने के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप मुझे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं खाली डाइट करूँगा तो चलेगा, पेट तो कम हो जाएगा, लेकिन वो एडिपोज टिश्यूज़ या बाकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपनी जगह पे वापस नहीं आएंगे या कम आएंगे। उससे आपको या तो महिलाओं को उससे कुछ निशान पड़ जाएंगे पेट पर, वो गलत दिखते हैं, या फिर वो पेट फिर भविष्य में बड़ा होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप एक्सरसाइज ज़रूर दें पेट को, जिससे कि पेट के मसल्स दोबारा से लचीले बन के कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी जगह पे वापस जाएं। इसमें एक चीज़ और जोड़ी जा सकती है, मालिश। मालिश करेंगे ऊपर की तरफ गोलाई में पेट को हल्के हल्के हाथ से, बाकी शरीर को भी, तो लचक और बढ़ेगी, मांसपेशियां जो हैं, मसल्स जो हैं, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके आप वापस अपनी शेप को अटेन कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। ये थी जानकारियाँ आपके पेट के वजन को लेकर के जो मैंने आपको दी। इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को गोमूत्र अर्क नहीं मिलता, वो ताजी बिन ब्याही गाय, देसी गाय जो अगर हो, उसमें भी काले रंग की गाय या भूरे रंग की गाय, सफ़ेद नहीं, उसका गोमूत्र 8-10 कपड़े से छान करके कम लगभग 40 ml तक, 60 ml तक गर्म पानी में लेके उसी तरह ले सकते हैं। सुबह शाम लेनी है ये 2 टाइम दवाई। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बछिया है कोई तो उसका भी चल सकता है गोमूत्र, लेकिन गर्भवती गाय का नहीं चलेगा, और तुरंत जिसने बच्चा दिया है उसका भी गोमूत्र नहीं दिया चलेगा, कुछ दिन के बाद आप लेना शुरू करें। और मैं आपको एक और गाइड कर देना चाहता हूँ चीज़, कि सारी चीज़ें कर ली, पेशेंस ज़रूर रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई कमी आए बताइएगा, मैं आने वाले समय में और गाइड करूँगा। क्योंकि यात्रा जीवन की चलती रहती है, कहीं रुक नहीं जाती, का उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कमियाँ भी आएंगी, फ़ायदे भी होंगे, लेकिन आपने अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, मैं आपके साथ हूँ। जिन लोगों को ये प्रश्न है कि अगर पेट के साथ साथ बाकी फैट भी कम करनी है तो क्या करें, भाई बाकी भी कम होगी लेकिन इसका मेन असर त्रिफला गुग्गल को जब हम गोमूत्र के साथ जोड़ते हैं तो होता ये है कि वो पेट के ही ऊपर काम करती है। अगर आपको लगे एक समय के बाद पेट कम हो गया, बाकी बॉडी की फैट कम करनी है, तो आप त्रिफला गुग्गल को बंद करके इसकी जगह मेदोहर गुग्गल चालू कर सकते हैं 500 mg, तो वो आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। जो लोग गोमूत्र नहीं पी सकते, बदबू आती है, तो उनको मैं बता दूं गोमूत्र का एक्सट्रैक्ट भी आता है कैप्सूलों में, गोलियों में, आप वो भी ले सकते हैं, वो आपके काम का होगा और आप उससे फ़ायदा ले लेंगे। तो एक ही तरह का फ़ायदा है, थोड़ा कम ज़्यादा तो चलता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा, कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर होगी। मैं बातें वो बताता हूँ जो टू दी पॉइंट आपको पता है करनी ही है। कहने को तो मैं 10 नुस्खे बता दूँ, इसे करने से ये हो जाएगा, इसे करने से ये हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है इसी से होना है। लेकिन ध्यान रहे, गोमूत्र थोड़ा तल्ख होता है, तल्ख यानी थोड़ा तीखा, थोड़ा पंजेंट, थोड़ा गर्म तासीर का, इसलिए जो लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर जिन लोगों की तासीर बहुत गर्म है, तो थोड़ा संभल के चलिएगा। अपनी बॉडी की प्रकृति को समझ के, इसको ठीक ठाक देख के पच जाए तो आगे बढ़िएगा। आज के बाद नमस्कार।